सीबीएसई की तरफ से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आई है, न्यूज निकल कर आई है जो कि टर्म वन एग्जाम के रिलेटेड होने वाली है। एंड सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। वीडियो को एंड तक देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। अगर अभी तक हर्षित के पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अपडेट नंबर वन ये है कि डेट शीट आपको 15 अक्टूबर को नहीं मिलेगी, डेट शीट आपको मिलेगी 18 अक्टूबर को, यानी कि 18 अक्टूबर को। पहले बोला गया था 10 अक्टूबर को मिलेगी, बाद बोला गया था 15 अक्टूबर को मिलेगी, उसके बाद अब बोला गया है 18 अक्टूबर को। एंड 18 अक्टूबर को आपको डेट शीट मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है। अपडेट नंबर टू, जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, जबकि जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे मैथमेटिक्स हो गया आपका, सोशल साइंस हो गया, उनके एग्ज़ाम 25 नवंबर से शुरू होंगे। यानी कि स्किल सब्जेक्ट तो बहुत कम लोगों के पास होते हैं, यानी कहें तो मेन एग्ज़ाम 25 नवंबर से ही स्टार्ट होंगे। अपडेट नंबर थ्री जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है वो ये कि यहाँ पर टर्म वन एग्ज़ाम में कोई भी पास फेल कंपार्टमेंट कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ये CBSE ने क्लियर कर दिया है, आप इसकी आप सर्कुलर का फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये CBSE ने क्लियर कर दिया, कोई पास फेल कंपार्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ आपके मार्क्स शो होंगे रिजल्ट में। सो जो लोग बोल रहे थे कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, अगर एग्जाम ऑफलाइन होगी तो क्या होगा, कहते उनके लिए कोई टेंशन ही नहीं, अब यहाँ पे कोई पास फेल नहीं होगा, काफ़ी सही बात है। अपडेट नंबर फोर, जो लोग बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ होंगे मेरे, ये वो आप CBSE ने क्लियर कर दिया, आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो आपके स्कूल में ही होंगे एंड आपके स्कूल के टीचर्स ही लेंगे। सो टेंशन वाली बात कोई नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कोई भी स्कूल अपने बच्चों को गंदे मार्क्स नहीं देता है, क्योंकि उन्हें अपने स्कूल का रिजल्ट अच्छा दिखाना होता है सबके सामने, स्कूल का नाम रोशन होता है, इसलिए कोई कम मार्क्स नहीं रखता है। तो काफ़ी गुड न्यूज़ है। एंड एक अपडेट और आपको बताना चाहूँगा, CBSE ने सर्कुलर में क्लियर लिखा है कि एग्ज़ाम आपके फर्स्ट टर्म ऑफलाइन होंगे, यस ऑनलाइन का उन्होंने नहीं कहा है। बाकी हो सकता है अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं दिवाली के टाइम तो ऑनलाइन होने के चांसेस हैं, बाकी अभी के टाइम पे तो मैंने बता ही रखा है कि ऑफलाइन होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पास फेल कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके मार्क्स से होंगे एंड प्रैक्टिकल एग्जाम आपके स्कूल से ही होंगे, तो नंबर काफ़ी अच्छे मिलेंगे। टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। बाकी और भी कोई CBSE की अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, इसलिए अभी हर्षित की पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपका अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।